मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आप देख सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम स्केल एंड हीट रेजिस्टेंस स्टील के बारे में बात करेंगे। स्केल एंड हीट रेजिस्टेंस स्टील क्या होती है, स्केल एंड हीट रेजिस्टेंस स्टील में कौन कौन से अलॉय एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती है बताऊंगा। मैग्नेटिक स्टील के बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिक स्टील के टाइप्स, मैग्नेटिक स्टील में कौन कौन से अलॉयिंग एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं, मैग्नेटिक स्टील की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो लास्ट तक आप बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्केल एंड हीट रेजिस्टेंस स्टील के बारे में बात कर लेते हैं। बॉयलर हो, कोई पावर प्लांट हो, कोई पेट्रोल रिफाइनरी हो, कोई सीमेंट प्लांट हो, कोई केमिकल प्लांट हो, इन सब जगह ऐसी स्टील की डिमांड रहती है जिसमें ऑक्सीडेशन ना हो और यह स्टील हाई टेम्परेचर को भी सहन करनी चाहिए। इसके लिए स्टील में क्रोमियम, निकल और सिलिकॉन जैसे कुछ अलॉयिंग एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं जिसकी वजह से इसमें स्केलिंग नहीं होती और हाई टेम्परेचर यह स्टील सहन कर सकती है, इसलिए इसे स्केल एंड हीट रेजिस्टेंस स्टील कहा जाता है। स्केलिंग क्या होता है मैंने पहले बताया है, नीचे कमेंट में मुझे आप बताइए कि स्केलिंग क्या होता है। सबसे बेसिक टाइप की स्केल एंड हीट रेजिस्टेंस स्टील है क्रोमियम स्टील, जिसमें 12 से 14% तक क्रोमियम मिलाया जाता है। क्रोमियम 12 से 14% तक अगर स्टील में मिला है तो यह स्टील स्केल को रेजिस्ट कर सकती है 750 से 850 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर तक। अगर क्रोमियम कंटेंट आप 15 से 20% के बीच रखेंगे तो फिर स्टील स्केल को रेजिस्ट कर पाएगी 850 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। क्रोमियम अगर आप 30% तक रखेंगे स्टील में तो यह स्टील फिर 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्केल को रेजिस्ट कर सकती है। तो क्रोमियम मेन अलॉयिंग एलिमेंट है जो स्टील में मिलाया जाता है स्केल को रेजिस्ट करने के लिए और हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। इस स्टील में क्रोमियम कंटेंट 30% रहता है और कार्बन 0.35% के आसपास रहता है। ऐसी स्टील्स को फर्नेस में यूज किया जाता है, एनीलिंग बॉक्सेस में यूज किया जाता है और जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायरमेंट रहते हैं वहां पे ऐसी स्टील्स को यूज किया जाता है। क्रोमियम के अलावा सिलिकॉन भी स्टील में मिलाया जाता है। क्रोमियम और सिलिकॉन अगर स्टील में मिला रहता है तो इसे हम कहते हैं सिलिक्रोम स्टील और यह स्टील भी 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्केल को रजिस्ट कर सकती है। और ऐसे मशीन पार्ट जहां पे हाई टेम्परेचर के साथ साथ हाई प्रेशर भी लगता है ऐसे मशीन पार्ट्स को क्रोमियम निकल सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। स्टीम टर्बाइन के पार्ट्स, गैस टर्बाइन के पार्ट्स, वॉल्व, बॉयलर के प्रेशर पार्ट्स यह सब कॉम्प्लेक्स स्टील से बनाया जाता है। यह भी स्केल एंड हीट रेजिस्टेंस स्टील रहती है लेकिन इनमें निकल, क्रोमियम, सिलिकॉन के अलावा टंगस्टन, मॉलीबैडनम और बहुत से अलॉयिंग एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब हम मैग्नेटिक स्टील के बारे में बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक स्टील दो टाइप की होती है, हम बोल सकते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक स्टील और परमानेंट मैग्नेटिक स्टील। सॉफ्ट मैग्नेटिक स्टील्स और एलॉयज का यूज जनरेटर, मोटर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में किया जाता है। सबसे कॉमनली यूज होने वाली सॉफ्ट मैग्नेटिक स्टील है शीट स्टील, जिसकी थिकनेस 0.35 से 1 mm के बीच रहती है और कार्बन कंटेंट 1% से कम रहता है लेकिन सिलिकॉन कंटेंट ज्यादा रहता है। परमानेंट मैग्नेटिक स्टील का यूज रेडियो अपरेटस, लाउड स्पीकर्स, मैग्नेटोस बहुत सी जगह किया जाता है। परमानेंट मैग्नेट स्टील में बहुत से अलॉयिंग एलिमेंट्स का यूज किया जाता है जैसे कि कोबाल्ट, क्रोमियम, वेनेडियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल और इन स्टील को बहुत हाई टेम्परेचर में हार्डन्ड किया जाता है। 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनका टेम्परेचर ले जाया जाता है और वहां पे इन्हें हार्डन्ड किया जाता है और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड में रख के इन्हें स्लोली कूल किया जाता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने स्केल एंड हीट रेजिस्टेंस स्टील के बारे में बात की, मैग्नेटिक स्टील के बारे में बात की, इनके एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको बताया, इनके केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताया, इनकी प्रॉपर्टीज और कौन कौन से अलॉयिंग एलिमेंट्स इनमें मिलाए जाते हैं उस बारे में भी हमने बात की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जल्दी मिलेंगे। जय जवान, जय किसान।